गाइज रॉक आने वाले हैं कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर, और गाइज शॉन माइकल ने वेलकम किया सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं गाइज पावर स्लैम टीवी। तो गाइज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी लेटेस्ट बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। गाइज सबसे पहले एज के बारे में बात करते हैं, और गाइज एज का जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो कल के दिन एक्सपायर होने वाला है गाइज, 30 सितंबर को वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब यार फिर एज इस कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न कर देंगे, इसके बारे में कुछ भी रूमर नहीं है। मतलब ज़्यादा रूमर तो ये है कि वो अपना रिटर्न कर देंगे ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। तो गाइज इसके बारे में कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो आपको मैं इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहो। इसके बाद बात करते गाइज कल के स्मैकडाउन के शो के ऊपर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया कुछ मैच कार्ड्स। यहाँ पर गाइज कल के शो के अंदर आपको जॉन सीना देखने को मिलेंगे। अब जॉन सीना का क्या रोल होने वाला है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ज़्यादा यार जॉन सीना का रोल ब्लड लाइन के साथ ही होगा, जो उनका हैंडीकैप मैच होने वाला फास्ट लेन के अंदर। इसके बाद गाइज एक और मैच अनाउंस कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के लिए, जो कि होगा गाइज रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए। और गाइज यहां पर जो दोनों ही मेंबर है गाइज वो LWO के अंदर है। जो सैंटोस एस्कोबार को मैच मिला था गाइज यूनाइटेड स्टेट टाइटल को जीतने का ऑस्टिन थ्योरी के साथ, वहां पर रे मिस्टीरियो ने बाजी मारकर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को जीत लिया था। अब इन आपस में यार इनका मैच होने वाला, अब देखते हैं कौन इस मैच को जीतेगा, कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर आपको पता लग जाएगा। इसके बाद गाइज एक और मैच एडवर्टाइज किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जो कि बेली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का। और गाइज मतलब बेली की बुकिंग यार इतनी घटिया कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब जितना भी यार उनको बिल्ड किया था ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा दिखाने के लिए, इतनी ज़्यादा उनको टाइटल बेल्ट्स वगैरह दी थी गाइज, सब पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पानी फेर दिया यार उनकी इतनी घटिया बुकिंग कर करके। यहाँ पर बेली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच, और गाइज यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर इजिली विन कर जाएंगे यार। बेली को मतलब जैसे मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं ना, एकदम से मिट्टी साफ हो जाती है, वैसा करने वाली है शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे। इसके बाद गाइज बॉबी लैशली को ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। और गाइज यहाँ पर बॉबी लैशली पता नहीं क्या करने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर। यहाँ पर गाइज रूमर भी है कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के ऊपर द रॉक भी आ सकते हैं। और गाइज रॉक आते हैं तो बॉबी लैशली का तो हाल आपको पता ही है क्या होने वाला है। और यहाँ पर गाइज रॉक चैलेंज भी कर सकते हैं रोमन रेंस को या जे उसो जिमी उसो को, वो ब्लड लाइन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर ऑस्टिन थ्योरी उनको इंटरप्ट करेंगे यार, ऑस्टिन थ्योरी का पहले जैसा हाल कर देंगे रॉक। अब देखते हैं रॉक कल के शो के ऊपर आते हैं नहीं आते, अब देखते हैं क्या करने वाले हैं रॉक अगर आते हैं कल के स्मैकडाउन के शो के ऊपर। अब चलते हैं गाइस अपनी फाइनल स्टोरी यानी कि फाइनल न्यूज की तरफ। गाइस शॉन माइकल ने मीडिया कॉल के दौरान यहाँ पर वेलकम कर दिया सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने के लिए। मतलब यार बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो शॉन माइकल ने उनको वेलकम किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। यार अगर सीएम पंक का रिटर्न होता है रॉयल रंबल के अंदर, जिसके बहुत ज़्यादा चांस है यार बहुत ज़्यादा, तो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच यार आप 100% गारंटी समझो, या फिर केविन ओन्स वर्सेस सीएम पंक का, या सेथ रोलिंस वर्सेस सीएम पंक का, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो यार ये कुछ पॉसिबिलिटीज वगैरह बन रही है, तो यार आपका इसके बारे में क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, और मिलता है गाइस आपको कल नेक्स्ट वीडियो में।